बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं टोकन स्पोर्ट। टोकन स्पोर्ट की जानिब से तमाम व्यूवर्स को खुश आमदीद कहते हैं। और आज जैसे कि टॉस होने वाले है, साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश का मैच होगा T20 वर्ल्ड कप में सिडनी के ग्राउंड में। कल जैसे कि हमने मैच देखा, उसमें जो है काफ़ी बारिश हुई, जिसकी वजह से मैच जो है टाई हो गया। तो आज के मैच में बारिश की तवक्को रखनी चाहिए, नहीं चाहिए? सिडनी पर मैच है आज, और आज है साउथ अफ्रीका बांग्लादेश का मैच, उसके स्क्वाड के बारे में बात करेंगे। सुमेर हमारे साथ मौजूद हैं। सुमेर बताइएगा, स्क्वाड के बारे में अगर देखा जाए तो साउथ अफ्रीका के स्क्वाड में है डिको, जो ये विकेट कीपर के नाम से खिला दिया जाते हैं, और दूसरे नंबर पे आते हैं पागुमा, ये है कैप्टन, अफ्रीकन कैप्टन। इसके बाद आते हैं रेली रोसो, ये देखा जाए तो PSL में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, PSL हो IPL हो सब जगह ये परफॉर्म करते हैं। फिर आते हैं मार्करम, मार्करम तो बहुत अच्छे हिटर भी खिलाते हैं, ये मिडिल ऑर्डर के इसमें शुमार होते हैं, बहुत अच्छे हिटर खिलाते हैं। फिर आते हैं डेविड मिलर जो है हार्ड हिटर है, आप देख सकते हैं अभी ये वार्म अप मैच भी बहुत अच्छा खेला है, इंडिया के होम ग्राउंड पे भी इन्होंने भी देखा है कि सेंचुरी भी मारी है, ऐसी बात नहीं है, 50 बॉल पे 105-107 रन बनाए। फिर इसके बाद आते हैं स्टब, ये नए बैट्समैन है, विकेट कीपर है, इन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है IPL में अगर देखा जाए तो। उसके बाद आते हैं हमारे ऑलराउंडर पांडल भी इतने, मतलब देखा जाए इसने सात खास बॉलिंग तो फिलहाल वो नहीं कर पा रहे, लेकिन ये है कि फिर भी अच्छे बॉलर है वो। फिर उसके बाद आते हैं महाराज, इनका ताल्लुक वैसे देखा जाए तो इंडिया से, फिर इन्होंने मतलब अफ्रीका शिफ्ट हो गया, फिर अफ्रीका के साथ इन्होंने खेलना शुरू करा है, ये भी बहुत अच्छे स्पिनर है, T20 में इनका भी टॉप 10 में आते हैं। तो उसके बाद है रबादा को तो सब जानते हैं आप, रबादा बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं IPL में भी, PSL में भी, हर जगह। तो उसके बाद आते हैं नॉटी जी भी बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अच्छे बॉलर भी हैं, क्या बोलते हैं पेसर बॉलर हैं, आप देख बता सकते हैं क्या बोलते हैं पेसर, मतलब पेस कितने अच्छे तरीके से देते हैं, नॉटी जी हो जाए, निगेटी हो गया, कितने अच्छे पेसर हैं ये लोग, जेंसन हो गया, हैंड्रिक हो गया, क्लाशन हो गई, ये हर कोई मतलब परफॉर्मेंस डे बाय डे देते ही जा रहे हैं। जी बिल्कुल, सुमेन ने जैसे बताया कि साउथ अफ्रीका की बॉलिंग लाइन जो है बहुत स्ट्रांग है, उनके जो पेसर है कमाल के पेसर है, ऑस्ट्रेलिया में खासतौर पर बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। अब बात करेंगे बांग्लादेश के स्क्वाड के बारे में, शकीबुल हसन जो है उनके कैप्टन है, उसके बाद आते हैं नूरुल हसन, उसके बाद आते हैं शंटू, उसके बाद आते हैं सुमिय सरकार आते हैं, फिर लिटन दाद आते हैं, ये सारे बैट्समैन हैं। अफीफा हुसैन है, यासिर अली है, मुसद्दिक हुसैन, तस्कीन अहमद है, हसन मोहम्मद है, मुस्तफिदुर रहीम बहुत ही अच्छे इनके पेसर है, बॉलर है, कटर ऑफ कटर कराते हैं, लेग कटर कराते हैं, बैट्समैन को बुरी तरीके से परेशान करते हैं। उसके बाद आते हैं तस्कीन अहमद है, हसन मोहम्मद है, मुस्तफिदुर रहीम है, उसके बाद इबाद हुसैन है, शोरफुल इस्लाम है और मेहदी हसन है। ये बांग्लादेश का अगर स्क्वाड देखा जाए तो इनकी बैटिंग लाइन बहुत अच्छी है, शकीबुल हसन इनके विकेट कीपर है, इनके सॉरी कैप्टन है, और इनके जो विकेट कीपर है नूरुल हसन, दोनों ही बहुत क्लास के बैट्समैन है, बहुत ही अच्छी ये लोग बैटिंग करते हैं।